welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today, guys, we're watching Ashish Jhanjhalani, and it is Mummy Returns. Yeah, and if you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe, and also check out our other channel, which is Cool Art Touch. We also got Patreon and YouTube memberships if you would like to join, different perks on there. Check it out. Before we watch it, though, this one, The Mummy Returns, just want to say it's a new video, so please do go and check out the original on his channel. I will put the link in the description. Obviously, he's put all the work in, given the love, given the respect, and given the light for the video that he's created. And then afterwards, if you still want to, then you come back and you can watch it with us. And if you don't want to watch it with us, you know what I mean? There's no point being here in the first place. You know, but yeah, if you are here to watch it with us, thank you very much. Welcome, GIN. So The Mummy Returns. Acha, itthe koi zombie zombie ta nahi hona ja udai maa jaani ya chipeer maru pata nahi. Anyway, let's check this one out. Here we go. Please don't do that at home. This is so nice. Making all the paddles. Oh no. That's you? Shut up. No, it's not. Ooh. That is you. You would make noise. I don't think so, you liar. Mummy, tell me something. ये कोई टाइम है साफ सफाई करने का इधर गरीब को सुबह से नींद नहीं है मम्मी प्लीज तू एक काम कर बेटा तू सो जा मम्मी मैं आऊं मदद करने अरे बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ सो जा शर्म नहीं आती तेरे को इधर तेरी माँ काम कर रही हो तेरी माँ के सामने तेरे को सोना है और ये क्या है पूरे बिस्तर पे खाना क्यों फैला के रखा है तू कुत्ता है ऐसा खाना रख के रगड़ रगड़ के पूरे बिस्तर में कौन खाना खाता है मेरे को तो इंसान का बच्चा चाहिए था पता नहीं कुत्ते का बच्चा कहां से पैदा हो गया वो सब तो ठीक है आप पापा को कुत्ता क्यों कह रही हो बेशर्म मैं एग्जांपल दे रही थी मैं तेरे बाप को कुत्ता नहीं बोला और ये कपड़ों का ढेर इधर क्या कर रहे हैं मॉल की सेल लगी हुई है अरे मम्मी जगह नहीं थी इसलिए उधर रख दिया कपड़ में कौन सी लाशें भरी पड़ी है कपड़ में रखो कपड़े कपड़ में जगह नहीं है क्यों पहन दो इतने कपड़े दिन में चार चार जोड़ी कपड़े पहन दो तुम लोग अरे यार मम्मी तू ही तो बोलती है घर में मेहमान आते इसलिए नए नए कपड़े पहन के बैठा करो इसलिए चार चार कपड़े पहनने पड़ते हैं यार नहीं तो क्या तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि चंचलानी की जो घर की माँ है वो अपने बच्चों को कपड़े देती नहीं है ऐसे फकीरों की तरह बालों वाली टांगों में चट्टे लगा के बैठते मम्मी मेरे दोस्त ये घर की बातें अपने घरों में नहीं करते क्यों तू अपने दोस्त की घर की बातें इस घर में नहीं बताता उस दिन तुम्हें को बता रहा था कि रवि की माँ ने रवि के बाप के छाती के बाल ट्रिमर से उड़ाते उड़ाते ऊपर पूरी उसकी नाक काट दी तुम्हें लगता है कहानी होती सुनी थी ट्रिमर जो था वो ऊपर नहीं नीचे गया था और नाक नहीं कुछ और कट गया ओह गॉड ओए चप्पल की नहीं आवाज इतनी चप्पल कहां से आई और ये इतने कपड़े पड़े हैं तेरे पास तो उनको दान क्यों नहीं कर देता है मम्मी ये है ही कितने कपड़े कितने लोगों की मदद हो जाएगी नहीं नहीं बेटा तेरी एक टी-शर्ट चार बच्चों को फिट आ जाएगी काट काट के पहनेंगे सब गलती से अगर मैंने तेरा कभी कुर्ता दे दिया ना किसी को तो पूरा परिवार उसे कंबल बना के सो जाएगा ये बहुत गलत बात है आप मेरे को ऐसे फैट शेम नहीं कर सकते मैं हैशटैग चलाऊंगा ट्विटर पे फैट शेमिंग मम्मी तेरी तो फैट शेमिंग मम्मी और छोटी चप्पल यार मम्मी इतने चप्पल ना खा देनी आर यू गॉड ऑफ चप्पल्स और ये कबर गॉड ऑफ चप्पल मैंने कितनी बार बोला है बंद रखा कर चोरिया हो जाएगी हां तो चार चांदी के चम्मच और दो कटोरों के अलावा आपने दिए क्या मुझे कौन सा खजाना छुपा कर रखा है मैंने जो चोरी हो जाएगा मेरा कबर देखा उसमें कितना गोल्ड पड़ा रहता है बंद रखती हूं ना ऐसे फाड़ के रखूंगी तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग अरे मम्मी कितनी बार बोला है छोड़ो ये सब थोड़ा मॉडर्न हो जाओ जिंदगी में मॉडर्न हो जाओ मतलब क्या तेरे बाप को डिवोर्स दे दूं अरे मेरा कहने का ये मतलब है कि छोड़ो अभी ये सोने होने में इन्वेस्ट करना डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो वैसे भी कितना खोदोगे धरती को सोना ही खत्म हो गया है डिजिटल गोल्ड आजकल डिजिटल गोल्ड भी आने लगा है अरे हाँ मम्मी इसे आप अपस्टॉक्स गोल्ड में ले भी सकते हो आपको पता है अपस्टॉक्स गोल्ड इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है इस पे आप डिजिटल गोल्ड खरीद या बेच सकते हो ऑनलाइन इजीली बेटा तुम बुखड़ो ना मेरे सारे पैसे खत्म कर दिए अभी मेरे पास और लाखों रुपए नहीं है इसमें डालने के लिए
अरे मम्मी आप इसमें मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम मालूम है कितना होता है? आप लोग जो मुझे पॉकेट मनी देते हो ना उसको डिक्शनरी में मिनिमम बोलते हैं। हाँ मम्मी, और इसमें नॉर्मल गोल्ड की तरह 5-8% मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगते, सिर्फ 3% जीएसटी लगता है। और ये जो डिजिटल गोल्ड होता है ना, इसे सेफ वॉल्ट में सिक्योर रखा जाता है, तो गोल्ड की सिक्योरिटी की टेंशन ही नहीं। ये सही है। अभी आप अपस्टॉक्स गोल्ड डाउनलोड करो, इसमें अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना आप। बेटा इसमें तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन सुबह को जल्दी उठना, साफ सफाई करना, सुअर बना नहीं करना, इन चीजों में तू कब इन्वेस्ट करेगा? They're hiring. Next. Namaste, madam. Please have a seat. Bata, what is your name? Shanta Devi Bhosle. Shanta Devi Bhosle. Bhosle. तेरे सरनेम में पूछ ले। काफी डेडिकेटेड काम वाली भाई है तू। Why do you want this job? मैडम क्या होता है ना, जो ऐसा काम वाली भाई का अपॉर्चुनिटी। चल ना पका मत ना, हर काम वाली भाई यही बोलती है, असली बात बता ना। पैसा। Why were you fired from your last job? अरे मैडम क्या बताऊं, वो पहली वाले मालकिन थी ना, मैंने उनका मंगलसूत्र पहन लिया तो मुझे निकाल दिया काम से। मतलब तेरे को चोरी के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, मैंने उनका मंगलसूत्र पहना ना, तो उनको लगा उनके पति के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। तो अफेयर के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, वो तो मैंने उनको बोला था कि ये मंगलसूत्र बाजू वाली पिंकी भी पहनती है। डिवोर्स हो गया, अब घर नहीं तो भाई क्या करेगी उधर। देख अभी मैं तेरा थोड़ा टेस्ट ले गया ना, एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप। अगर तूने टेस्ट पास किया तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है? ठीक है मैडम। चल बताइए कितना बजा है? 3। ये कितना बजा है? 4। ये कितना बजा है? 8। चल मतलब तेरे को टाइम पढ़ने आता है, मतलब तू टाइम का बहाना नहीं देगी मेरे को। ऐसे ही थोड़ी इंटरव्यूअर है मैं आज। चल बता व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? मैं एक हाथ से पोछा मार सकती है। फेल। क्यों? पिछली काम वाली भाई बिना हाथ के पोछा मारती। कैसा? पैर से। अरे वो तो एक हाथ से झाड़ू मारती थी, एक पैर से पोछा मारती थी और दूसरे हाथ में आशू को संभालती थी। एक बार तो बाथरूम साफ करते करते आशू को कमोड में गिरा दिया। आशू को कमोड का फोबिया है। What are your weaknesses? सासुमा। Me too. सासुमा। How do you prioritize your work? मैडम मैं सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू पोछा नहीं मारेगी, पहले आपके घर पे मारेगी। Sacrifice? नहीं नहीं, मेरे घर पे 3,000 वाली काम वाली पाई रख लिए मैंने। चल बता what are you passionate about? मैडम मेरे ना 3 बच्चे। हाँ बस समझ गई, तेरा पूरा पैशन समझ गई मैं। सैलरी कितनी लोगी, डिस्कस कर ले। तेरा की पैशन है। 4 कमरा है, मतलब 4 कपड़ा जोड़ी, पूरा पैकेज मिला के 25,000। 25,000? तू क्या कंप्यूटर पे बर्तन धोती है? तेरे को 25,000 दूं मैं? मेरा बेटा इंजीनियर होके 22,000 कमाता है। ठीक है फिर 22,000 दे दो। ठीक है 18,000 में डन। मैडम दी। ठीक है बाबा तू इतना कहती है तो 16,000 में डन। अरे मैडम पगार है कि शेयर मार्केट, अब तो नीचे ही गिरते जा रहे हो। ए चल तेरे को दिवाली के बोनस के साथ 15,000 देगी, 15,000 फाइनल। ठीक है 9 बजे आ जाएगी। कांग्रेचुलेशंस यू हायर्ड। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? एक क्वेश्चन है, वो जो गेट है ना उस पे लिखा है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, तो घर पे कुत्ता उत्ता तो नहीं है ना? अरे नहीं वो मेरे पति के लिए लगा के रखा है, इस घर का कुत्ता वही है, वही भोंकता है, वही काटता है। लेकिन तू टेंशन मत कर, तेरे पे भोंका तो मैं उसको काटेगी। ठीक है ध्यान से देखिए अपने वातावरण में किस तरह से जुर्म की नई परिभाषा रची जा रही है, किस तरह से जुर्म की ना कोई सीमा होती है और ना कोई बबीता। माली, पति, दोस्त, बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना। सावधान रहे, सतर्क रहे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली, बुरा ना मानो होली है, सब आशीष कर रहा हूँ। क्या वादा, आज आपका आखिरी दिन होगा। पूरा आज का एपिसोड देखा, कैसे उस दूध वाले ने दूध में जहर मिला के, उस गोले वाले ने काला खट्टा में फिनाइल मिला के, और उस बावर्ची ने पिज्जा में पाइनएप्पल मिला के पूरे परिवार को मार डाला। अनीता शुक्र है प्राइम पेट्रोल का हम एक एपिसोड देखते हैं, वरना हमारे पति तो कब के मर गए होते। तू ध्यान दे ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली, बुरा ना मानो होली है, सब आज ही विश कर रही हूं। क्या पता आज हमारा आखिरी दिन हो, अगर सही कल होना हो। गधा है तू, गधा एक नंबर का, तेरे को किस बात के पैसे देता हूँ, घास काटने के या मेरा काटने के? सावधान रहे, सतर्क रहे, अभी अगर तूने नीम के डंडे काटे मैं तेरी पगार काट दूंगा, समझा? दफा हो जा। एक से एक काम चोर भर्ती करके रखे मैंने, क्या होगा इनका? आज मेरा आखिरी दिन है, खुशी से जी लो तुम। क्यों? तुम घर छोड़ के जा रही हो? आज तुम्हारी वजह से इस घर में कत्ल होने वाला है। कत्ल? कत्ल?
कौन सा कत्ल, कैसा कत्ल और कौन कत्ल करेगा वो माली ही। तुमने उसके दिमाग में जुर्म की एक नई परिभाषा रच दी। अबे ओ आठवीं कक्षा की हिंदी टेक्सटबुक, क्या बकवास कर रही हो। पक्का नीचे उसका भी वो वाला सीन चल रहा होगा जिसमें ऐसे विलन टाइप एक्टिंग कर रहा होगा। टीवी देख देख के ना तेरा दिमाग सड़ गया है, पागल हो गई। तुम्हारी वजह से मासूम बच्चा सीरियल किलर बन जाएगा और तुम्हारा कत्ल कर देगा और मैं हमेशा के लिए ब्लैक विडो हो जाऊंगी, येलो विडो हो जाऊंगी। कभी उसको मैंने बचपन से अपनी गोद में खिलाया है, उसी गोद में चढ़ के वो तुम्हारा गला काटेगा। अरे उसको पौधे से पेड़ मैंने बनाया है और वही पेड़ पे चढ़ के घर में घुसेगा और तुम्हारा पौधा काट देगा वो। और फिर मुझे साइड में देखेगा और सोचेगा ये तो साइड डायरेक्टर है, इसको भी मार देता हूँ। शो में इमोशन ज्यादा आएगा, ऑडियंस को ज्यादा सिंपैथी फील होएगा। पापा मैंने कहा था मेरे को इस लड़की से शादी नहीं करनी है, पागल है ये। की वजह से प्लानिंग कर रहा होगा, हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें काट देगा वो। काट दिया गुलाब के फूल में कांटे रहेंगे, वो चुभेंगे तो काटूंगा ही ना। गुलाब के फूल और उसके कांटे की बात कर रहा है वो। बेटा मेरी बात सुन, तेरे को हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं, हम लोग अच्छे लोग, दिल से बहुत अच्छे लोग। ये आदमी मनुष्य ऐसे को छोड़, इसको नौकरों से ना बात करने की तमीज नहीं। तेरे को आशु के कपड़े चाहिए, आशु के कपड़े ले ले। तेरे को आशु का रूम चाहिए, आशु का रूम ले ले। उसको गार्डन में सला देंगे, गार्डन में सला दे। मैं रात को आता हूं, इसको नीचे रख, नीचे रख। काहे को आएगा रात को तू? हम सब पगार लेने। कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे को जीपे कर दूंगी। चल चल। ओ सुनो ए, ओए तू अभी काम बंद करो, ड्राइवर के साथ जाकर रोक, उसको कुछ काम है। ओके साहब। अरे क्या कर रहे हो आप, एक खूनी को दूसरे खूनी से क्यों मिला रहे हो? लो अभी हमारा ड्राइवर भी खूनी बन गया। जब भी घर लेके आता है, देखा है कैसी कैसी गलियों से लेके आता है वो, क्योंकि हमारा घर ही गलियों में है पागल। आपने उस ड्राइवर की आंखें देखी है, हमेशा खून से लाल रहती है। अरे उसका बीपी हाई है इसलिए उसकी आंखें लाल और खून से भरी रहती है, बेचारे गरीब की। तुम्हारा बस चले तो मेरे पे भी शक करो तुम। मेरे को तो 100% श्योर है आपका चक्कर चल रहा है। तू एक काम कर, तू ये टीवी ले और मेरा सर फोड़ दे, पागल हो गया तू। देखना एक दिन मेरा यही पागलपन तुम्हारी जान बचाएगा, इस घर में मैं भी पागल हो जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो, सावधान रहो, सतर्क रहो। चुप चुप, बर्बाद कर दिया है इस फैमिली ने मुझे। ये वॉचमैन 12:30 से कहां गायब रहता है रोज, ये किसके साथ किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है? 5 मिनट में क्या हो जाएगा, कितनी नौटंकी है, बैठ ना। अरे मम्मी ये मेरा दोस्त है रोहित। दोस्त? दोस्त बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना, साधारण सतर्क। आशु बेटा तूने कभी इस दोस्त के बारे में बताया नहीं है। एक्चुअली आंटी हम लोग आज ही मिले हैं और आज ही आशु मेरा नया नया दोस्त बना है। नया मतलब? अभी अभी नया मुर्गा फंसा है मैंने, फिर तुम्हारे खानदान के करीब आऊंगा और सबको खल्लास कर दूंगा, खल्लास। खल्लास हो गई पार्टी। फिर आशु ने बोला चल मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ, माँ बाप से मिलाता हूँ। टच वुड यार आपका घर बहुत आलीशान है। कितना पैसा होगा इधर? ये अकेला घूमर ना 50,000 का होगा। नहीं नहीं बेटा हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ये घर वर सब ऐसा दिखावे के लिए, हम लोग लुखे हैं बेटा, फकीर हैं। ये तक ये भी लोन वोन पे लिए हुए, कुछ पैसा नहीं है घर में, तो थोड़ा भी कैश नहीं है बेटा। पहले ये झूमर उतारूंगा, फिर तेरे बेजे में गोलियां उतारूंगा। नहीं उतारना बेटा, बस उतारना। उतारूंगा उतारूंगा यार, पहले जशन को उतारूंगा, उसके बाद तुझे कॉलेज उतारते हुए मैं अपने घर चले जाऊंगा। बेटा तुम एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मर्डर करता हूँ, मर्डर। मर्डर? मर्डर नहीं, मटन की शॉप है मेरी आंटी, 4 नंबर में, खुद के नाम पे खोली है। मैंने आशु को बोला भी कि आपको लेके आए मेरे शॉप पे। क्यों मुझे क्यों? ताकि तेरा गला काट दूं बुढ़िया। बता किधर है टिचोरी, किधर है टिचोरी? नहीं है बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो। आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम, वॉशरूम। अरे छोड़ यार, पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, वॉशरूम उधर है तुझा। नहीं नहीं तुम किधर नहीं जाओगे, इधर ही बैठो, कोई सुसू करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ ये पट्टी क्यों लगी है तुम्हें? अरे आंटी कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कट मार रहा था। कट? कितना गला काट रहे थे तुम? नहीं आंटी मैं गले वाले नहीं काट रहा था, मैं एक्चुअली बाइक से किसी को कट मार रहा था, मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा, उसका लगा मुझे। एक्सीडेंट? किसकी चेन चुरा रहे थे तुम? आंटी मैं चेन में नहीं चुरा था, आप मेरे को गलत समझ रहे। नहीं आंसू तो शक्ल से ही लगता है नंगी आंटी के नंगे पैरों से चेन चुराता है। अरे मम्मी कुछ भी बकवास क्यों कर रही है यार, तुम एक बात बताओ तुम्हारा बाप क्या करता है? आंटी वो जेल। जेल? तुम्हारा बाप जेल में? जेल नहीं, जेल वार्डन है। अच्छा तो तेरा बाप जेल का वार्डन है, मतलब अगर तू मर्डर करे तो तेरा बाप तेरे को जेल से निकलवा सके। मैं बता रही हूँ ये नेपोटिज्म में मर्डर भी करवा रहा है। चल यार, चल गम यार, पागल हो गए मम्मी पूरा दिन प्रैंक का ट्रोल देखते रहते। चल तू चल, चले जा बेटा, चले जा, तू भी जुर्म के रास्ते में चले जा। सावधान कैसे रहूं, सतर्क कैसे रहूं मैं? अरे नहीं
भाई वनीता, स्वागरात पे तो आजकल रेडबुल पिलाते, हमारे टाइम पे तो कॉफी पिलाते थे, बोलते थे पूरी रात जागना है। अच्छा सुनो। हाँ चल, मेरा पति आया, मूड खराब करके तेरे को कॉल करती हूँ। चल बाय। शिल्पा का फोन आया था, घर बुला रही है, चलना है। क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है? उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुलाया है। वो तो होगा ही, दूसरों की बातों में टांग अड़ाएगी तो टांग में तो दर्द होगा ना। अरे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम उसे। जब भी घर पे आती है कितने ताने मारती है, देखा है? हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए, ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है। टर्न करके मेरी तरफ तो ऐसे देखती है, मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चले गए। अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर इसकी तरफ देखना चाहिए ना, क्योंकि असली चोर तो वो है। और मेरी बहन को चोर मत कहो तुम। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी, उसमें भी दूध फटा हुआ था। चाय नहीं, पनीर बटर मसाला था। सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पी के सोचते होंगे चाय। अरे बस कर माते, बस कर। दूसरों की ननद अपनी भाभियों को हीरे जवाहरात और प्यार देती है, तुम्हारी बहन ने सरदर्द और कोरोना के अलावा मुझे दिया ही। देखो उसे तभी नहीं मालूम था कि उसे कोविड है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो बेवकूफ है, उसमें मेरी गलती है क्या? और बेवकूफी से याद आया, उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बाहर। उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो की है, कमला ने दिया को दिवाली में पूरी तरह जला दिया था, बेचारी सर से टकली हो गई, अभी भी मोहल्ले से जाती है, बेचारे बच्चे उसको कटप्पा बुलाते। कटप्पा? कोई लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है, तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो क्या कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे? बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था रूम में, चुपचाप चले जाता, सुखी होता। उस धोखेबाज बहन के लिए तुम रात के 11:30 बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकर को घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो? अरे जाना पड़ता है, मेरी माँ भाई का फर्ज निभाना पड़ता है। तो अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास, उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर। अरे वो नहीं जा सकता, उसके पेट में दर्द है। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। भाई से आ गई है, अभी इसको भाई से भी तकलीफ है। उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलते हैं भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला है, तो तारीफ ही हुई ना। ये बात वो मेरे पेट की तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिलाता पिलाता है कि खुशी के मारे तुम्हारा पेट निकला है? नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ। हाँ, पेट से तो तुम हो भूखी। देखो टॉपिक मत चेंज करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है, पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसको कुछ। अरे वो टूर गाइड है, उसका काम धंधा है, पागल हो रहा है। तो टूर पे तुम्हारा भाई करता क्या है तुम्हें मालूम है? लड़कियों को लोनावला लेके जाता है, बोलते मैडम मोदी के टाइगर पॉइंट, थोड़ा नीचे चलोगे ना टाइगर का मेन पॉइंट दिखाऊंगा मैं। अरे वो टाइगर पॉइंट का मेन पॉइंट उसकी गुफाएं, अभी वो दूसरी लड़कियों को गुफाएं भी नहीं दिखाए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना नाम खराब है? मेरे भाई का नाम लड़कियों में खराब है ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो आंटी हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा पियक्कड़ है? तो क्यों पीती हो उसके साथ? मैं नहीं पीती हूँ उसके साथ। उस दिनों पी के उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मुझे बोलते कि भाभी अब खाना कितना घटिया बनाती हो। भाभी को बोलते दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? गलती है कि वो इतने साल से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा है। झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें? अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया हो मेरे हाथ का? तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है। अरे बेचारा, अभी ऑपरेशन करके उसका पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा, सॉरी कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना। मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम? उसकी जरूरत क्या है? तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए, आज का कोटा फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खाना है। ठीक है बाय बाय। वापस रूम में मत आना तुम, बाहर हॉल में ही सोना। मतलब आज मैं शांति से सोऊंगा। थैंक गॉड। बात करने बेकार है सामने से। क्या बात है पापा, इतनी सी बात में घर छोड़ के जा रहे हो? घर के कागज तो दे दो, एक चमाट मारूंगा जाके किचन के बर्तनों पे गिरेगा। समझा? गंदा तकिया लेके और तू हॉल में सोएगा, मैं तेरे रूम में सोऊंगा। यार पापा ये गलत बात है, आप लोग के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? भी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा। और ये मम्मी को तो काम धंधा है नहीं, बस चिढ़ती तो रहती है पूरा दिन। ए खींच के दूंगा ना, फिर अकल आएगी। अपने माँ के बारे में से बात करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तो आपका साइड ले रहा था, अभी तो आप झगड़ा करके। अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ, इसके ये नोक झोंक, इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा, बात बात पे डांटती थी, ताने मारती थी पापा को, मुझे। तभी मैं भी तेरी तरह यही सोचता था कि मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है। आज वही ताने, वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा। अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर, तो बस अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूँ, और मिल भी जाती है कभी कभी। तू शुक्र कर तेरी माँ तो है, क्योंकि एक दिन यही झगड़े, यही चिड़चिड़
तुझे भी याद आएगी। तीन गिनने तक अभी तुम अंदर नहीं आए ना तो डिवोर्स दे दूंगी मैंने कहा। अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी, तुम सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना, पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती हो, शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ अभी देखता हूं तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी औरतों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत गर्मी है भाई मेरी, आप हो गई देख ले। अच्छा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज अपनी तबीयत का ध्यान दें, बाहर नहीं निकले और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। And that's the video. Oh my gosh, you know what? That was probably one of the most enjoyable ones, videos that I've seen in such a long while. I actually enjoyed it so much, in that he made you laugh, the humor was great, and considering he majority was all him, three characters, I know he had other people working, but majority was him, and he played them really well. Very hilarious. The hysterical mom in the bedroom, the hysterical mom watching series, the hysterical mom with the crazy moms. Yeah, happened. That's life, innit? Everyone experiences it, everyone knows that, everyone's gone through it. and not only that, then at the end, he did also make you emotional as well. So, and his acting from being really funny and that to making it feel totally that, it just shows how really, you know, skillful, entertaining and creative this guy is, and the way that he can perform and make you feel. That's what it's all about. It's about touching and connecting, either making you laugh or making you emotional, and he done it all with this video. Yeah. I really, really enjoyed it, honestly. He's very, very talented, very funny, and like he says, guys, you know what, you gotta like take care and stuff. I mean, everything, there isn't anything. You go and throw something, go. Throw something. You were saying that it related to me, half of them. I can't remember. It was a bit, you know. I do not. I wake up to, like, first thing in the morning to just relax. No. One off. Okay. Here or there, I do that. I don't make all the noise, but acha. Yeah. Acha. Yeah, but how about like the wife thing? Then you do like which part? Yeah, I did find that the thing, you know, like that woman actually worked really well. You know, the one who came, the buyer who came to look for the job. She was really. I mean, her acting was really good as well. But him like testing her out, that was quite funny. It was funny. But all of it enjoyable, honestly. Really good. It's about time that we had something like this. I bet he's got a new collection of wardrobe now as well. Like, they're all stacking up. All these suits are, aren't they? That mum, fat shaming good young dear. Collection of suits. But that's the video, guys. Yeah, let us know what else you guys want us to make. Don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you on the next one. See you next time. Take care, see you soon. Bye.